क्या आपको पता है जेस्टेशन पीरियड क्या होता है और किस एनिमल में कितने दिनों का जेस्टेशन पीरियड होता है। नमस्कार दोस्तों, वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं जेस्टेशन पीरियड क्या होता है और किस एनिमल में कितने दिनों का जेस्टेशन पीरियड रहता है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट हम जो भी वेटनरी से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइज, सपोर्ट करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो गाइज, आप सभी को पता है कि अलग अलग जानवरों का अलग अलग जेस्टेशन पीरियड रहता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेस्टेशन पीरियड क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो गाइज, जेस्टेशन पीरियड होता है प्रेगनेंसी पीरियड। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी पीरियड जेस्टेशन पीरियड होता है। और जानवरों की बात करें तो जानवरों का अलग अलग जेस्टेशन पीरियड होता है, जैसे कैटल, बुफेलो, कैट, गोट, शीप, इनका अलग अलग जेस्टेशन पीरियड होता है अलग अलग एनिमल्स का। तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो गाइज, प्रेगनेंसी पीरियड हो गया जेस्टेशन पीरियड। जैसे मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो ह्यूमंस का जेस्टेशन पीरियड 9 महीने का होता है। मान लीजिए गाइज, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने के बाद जब 9 महीने के बाद वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसका जेस्टेशन पीरियड उस दिन समाप्त हो जाता है। तो जितने दिनों का गैप हो गया, 9 मंथ का गैप हुआ, तो गाइज उस पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो गाइज, मुझे लगता है कि आपको जेस्टेशन पीरियड के बारे में थोड़ा सा तो नॉलेज हो गया होगा। तो चलिए गाइज, अब बात कर लेते हैं किस एनिमल का कितना जेस्टेशन पीरियड होता है। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारे भारत देश में काफ़ी मात्रा में या काफ़ी संख्या में गाय पाई जाती है और इस वीडियो में सबसे पहले मैं गाय का जेस्टेशन पीरियड ही बताने वाला हूँ। तो गाइज, आपने देखा होगा कि गाँव में और शहरों में काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे भारत देश में गाय पाई जाती है, कैटल्स होती हैं। तो कैटल का जो जेस्टेशन पीरियड है वो 9 महीने 9 दिनों का होता है, 9 मंथ 9 डेज, लगभग 280 दिनों का कैटल का जेस्टेशन या प्रेगनेंसी पीरियड होता है। और गाइज, हमारे भारत देश में भैंस जो बुफेलो होती है वो भी काफ़ी संख्या में पाई जाती है। और दोस्तों, भैंस एक बहुत बड़ा जानवर होता है और भैंस का प्रेगनेंसी पीरियड 10 महीने 10 दिन मतलब 10 मंथ 10 डेज का होता है। अगर दिनों की बात की जाए तो 320 दिन कुल मिलाकर भैंस के जेस्टेशन पीरियड के होते हैं। अरे एलिफेंट की तो आपने देखा होगा, एलिफेंट का जो साइज़ होता है, हाथी का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और जिस एनिमल का साइज़ जितना बड़ा होता है उसका जेस्टेशन पीरियड भी उतना लंबा होता है। तो गाइज, एलिफेंट काफ़ी बड़ा जानवर है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो जेस्टेशन पीरियड होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो गाइज, एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड 634 दिनों का होता है क्योंकि गाइज ये काफ़ी बड़ा जानवर होता है। और गाइज, बात करें हॉर्स की तो हॉर्स जो है वो भी काफ़ी बड़ा जानवर है, इसका जेस्टेशन पीरियड होता है गाइज 336 दिनों का हॉर्स का जेस्टेशन पीरियड रहता है। क्योंकि गाइज, जितना बड़ा इनका साइज़ होगा उतना ही लंबा इनका जेस्टेशन पीरियड होगा और जितना छोटा जानवर होगा उसका उतना कम जेस्टेशन पीरियड रहता है। और गाइज, अब मैं आपको बताऊँगा स्मॉल एनिमल्स के जेस्टेशन पीरियड के बारे में। एनिमल्स हो गए गोट, शीप, डॉग और कैट। तो गाइज, जैसे पिग्स भी स्मॉल एनिमल्स हैं। तो गाइज, बात कर लेते हैं गोट और शीप के बारे में। तो गोट और शीप का जो जेस्टेशन या प्रेगनेंसी पीरियड है वो गाइज बिल्कुल सेम रहता है, मतलब इनका जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो 5 महीने 5 दिनों का होता है, मतलब 5 मंथ 5 डेज का इनका जेस्टेशन पीरियड रहता है। क्योंकि गाइज, ये स्मॉल जानवर हैं तो इनका काफ़ी छोटा जेस्टेशन पीरियड रहता है, इनका इतना लंबा जेस्टेशन पीरियड नहीं जाता। बात कर लें गाइज पिग्स के बारे में, जो सुअर होते हैं वो भी छोटे जानवर होते हैं और इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है सुअर का, तो गाइज इनका 115 दिन इनका जेस्टेशन पीरियड होता है गाइज। और बात करें डॉग की तो दोस्तों, जो डॉग है वो भी काफ़ी छोटा जानवर है तो इसका जेस्टेशन पीरियड भी काफ़ी छोटा रहता है। तो डॉग का जो जेस्टेशन पीरियड होता है तो 60 से 63 दिन 60 to 63 डेज जो है गाइज डॉग्स का जेस्टेशन पीरियड रहता है। तो गाइज, ये स्मॉल एनिमल्स हैं जिनका जेस्टेशन पीरियड जो कि काफ़ी कम रहता है। और गाइज, करें कैट के बारे में तो कैट भी एक बहुत छोटा जानवर है, स्मॉल एनिमल है, तो इसका जो जेस्टेशन पीरियड है, प्रेगनेंसी पीरियड है, वो 62 दिनों का होता है। और गाइज, इसी के साथ बात करें रेट्स की, जो रेट्स होते हैं वो तो बहुत ही छोटे जानवर होते हैं और इनका जेस्टेशन पीरियड 21 दिनों का होता है। गाइज, कुल 21 दिनों का इनका जेस्टेशन पीरियड होता है। और गाइज,
ये थे हमारे आज के जानवरों के बारे में जो जेस्टेशन पीरियड मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इसका पार्ट सेकंड भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, वेटनरी से जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और गाइस, सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर वेटनरी क्लासेस नाम से मैंने चैनल बनाया हुआ है, तो वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो गाइज, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।